आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पिछले 10 साल से गरीबों के साथ खेल रहा था डॉक्टर, शिक्षक सहित 4 की कोरोना से मौत, संकट में पीएम गायब, बोले राहुल। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पिछले 10 साल से गरीबों के साथ खेल रहा था डॉक्टर। पुलिस स्टेशन अंतर्गत सैलाब नगर में पुलिस, तहसील और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई कर गुरुवार को फर्जी डॉक्टर चंदन नरेश चौधरी सैलाब नगर कामटी को गिरफ्तार किया था, जिसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सैलाब नगर में पिछले कुछ सालों से धर्मार्थ दवाखाना खोलकर आयुर्वेदिक नेचुरोपैथिक पद्धति से उपचार किया जा रहा था। कम पैसे लेकर इलाज करने वाले इस फर्जी डॉक्टर के पास उपचार करने गरीब तबके के लोग ज्यादा आया करते थे। यह दवाखाना स्लम परिसर में होने से स्वास्थ्य, पुलिस तथा तहसील विभाग का ध्यान नहीं गया, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते फर्जी डॉक्टर ने कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कराना शुरू कर दिया था। इसकी जानकारी परिसर के लोगों को मिलने से 1 महीने पूर्व कामटी विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय को शिकायत की गई थी, लेकिन ACP कार्यालय में पुलिस स्टेशन यह शिकायत आने में लगभग 1 महीने का समय लग गया था। पुलिस को शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस निरीक्षक विजय मालची ने इसकी सूचना तहसीलदार अरविंद हिंगे, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय माने, नगर परिषद के NHUM की वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर शबनम खानोनी को दी गई। तीनों विभागों ने संयुक्त टीम बनाकर सैलाब नगर में दोपहर में दबिश देकर धर्मार्थ अस्पताल का फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन फ्लो, PPE किट, दवाई आदि सामग्री जब्त कर फर्जी डॉक्टर को थाने ले आई थी। फर्जी डॉक्टर के साथ उसकी एक महिला मित्र जो साथ में रहती थी, उसे भी पुलिस थाने बुलाया गया। चौधरी और उस महिला मित्र के बीच क्या रिश्ता है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पता चला कि फर्जी डॉक्टर की महिला मित्र है शासकीय कार्यालय की कर्मचारी है। पुलिस को अनुमान है कि यह महिला कभी उपचार के लिए डॉक्टर तक पहुंची होंगी, तब से उसकी पहचान हो गई होंगी। आगे जानकारी यह भी मिली कि यह महिला कामटी के इस्लामपुरा निवासी बताई जा रही है। पुलिस ने नगर परिषद अस्पताल की वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर शबनम खानोनी की शिकायत पर महाराष्ट्र प्रैक्टिशनर कानून के तहत अपराध दर्ज कर फर्जी डॉक्टर चंदन नरेश चौधरी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां 10 मई तक का पुलिस रिमांड प्राप्त किया। अब तक के पूछताछ में पुलिस को फर्जी डॉक्टर ने कुछ खास जानकारी नहीं दी है। तो वही दूसरी ओर शिक्षक सहित 4 की कोरोना से मौत। पंढरपुर के विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए कोरोना काल बनकर सामने आया है। सांगोला में चुनावी ड्यूटी करने के दौरान कोरोना संक्रमण होने के बाद एक शिक्षक सहित उसके पूरे परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। घेरड़ी के रहने वाले शिक्षक प्रमोद माने जब वापस लौटे तो साथ में कोरोना संक्रमण ले आए। प्रमोद की पत्नी, बेटा, माँ, पिता और मौसी को कोरोना संक्रमण हो गया। उनका मुंबई में इलाज चला, लेकिन कोरोना से उनकी मौत हो गई। वहीं प्रमोदी के पिता, माँ और मौसी ने भी दम तोड़ दिया। प्रमोद की पत्नी और बेटा बीमारी से उभर गए हैं। इस तरह कोरोना ने परिवार के 4 सदस्यों के प्राण ले लिए। तो वही तीसरी ओर संकट में PM गायब, बोले राहुल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री ने संकट के इस समय में भी मानव जीवन को महत्व नहीं दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के लिए उपलब्ध कराई राशि को खर्च करने में भी कोताही बरतने का कार्य जारी रखा है। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री इस समय भी अपने अहम को सभी चीजों से ऊपर रख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस संकट के समय में मानवता दिखाने की जरूरत है। जब संकट का समय आया तो प्रधानमंत्री गायब हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वैक्सीन के लिए संसद ने 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन इस पर अब तक 5,500 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।